प्रणाम, ओम नमः शिवाय। प्रश्न आया है कि मैं विदेह होना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कौन सा मंत्र जाप करना होगा, कौन सी साधना या दीक्षा लेनी होगी और किस प्रकार से मैं विदेह स्थिति को अनुभव कर सकता हूं। प्रश्न बड़ा गंभीर है और मैं इसका उत्तर थोड़ा घुमा के देना चाहता हूं। देखिए, मेरे अपने जीवन का अनुभव क्या है। एक बार हिमालय पर एक नाला, एक जहाँ झरना होता है, झरने के पास से ऊपर की तरफ को जाने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन पहाड़ पर ऊपर सीधी जो चट्टान होती है, उस चट्टान के ऊपर एक थोड़ी सी जगह मुझे नीचे से दिख रही थी। तो बस मन में यूं ही आया कि किसी भी तरह यहाँ ऊपर पहुँचा जाए तो कितनी सुरक्षित जगह होगी, ना भालू का डर, ना बाघ का डर, ना किसी और प्राणी का डर, तो कितनी सेफ जगह है और यहाँ तो कोई इस तरह के जीव जंतु भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मन में जब विचार आया तो वे जोगी का मन है, मन मौजी सा, हमने कहा चलो चढ़ा जाए ऊपर। सर्दियों के ही दिन थे और हमने चढ़ना भी शुरू किया ऊपर की तरफ को पहाड़ पर। अब क्योंकि पहाड़ काफी टेढ़ा है तो हाथों के सहारे और पाँव के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ना था, जिसको आप क्लाइंबिंग कह सकते हैं। आप जैसे आपने देखा होगा अक्सर माउंटेनियर्स को, वो रस्सी वस्सी लगा के चढ़ते हैं, लेकिन अब हमारे पास तो कमंडल के सिवा कुछ था नहीं, तो ऊपर चढ़ने का प्रयास हमने धीरे धीरे किया। अब कभी कभी किस्मत बड़ी अच्छी होती है कि जो कुछ दूरी तक बहुत अच्छे अच्छे स्थान, यानी कभी पत्थर टेढ़ा सा है, कभी वहाँ पर पाँव रखने की जगह बनी हुई है, कभी बीच में दरार है, तो हाथ पाँव इत्यादि फंसा कर हम ऊपर चढ़ रहे थे। और जब मैं काफ़ी ऊपर पहुँच गया, अब ऐसी जगह पहुँच गया, अब यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सुविधाजनक पत्थर नहीं था, और अब हालत ये थी कि अगर मैं पीछे की तरफ देखूँ तो अंधेरा दिखाई दे रहा था नीचे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम भूमि पर से ऊपर हाइट का यानी ऊंचाई का अनुमान लगाते हैं तो लगता बस यही तो है यहीं, और जब आप ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से नीचे देखते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना है ये। खास करके इसका उदाहरण आप किसी ऊंची बिल्डिंग से देख सकते हैं। आप नीचे से चार मंजिलों को देखिए तो आपको लगेगा ठीक है इतना ही है, अब चार मंजिल के छत के ऊपर चले जाइए और चौथी मंजिल से नीचे देखिए, अब आपको सही अनुमान हो जाएगा। तो मैं कम से कम 7 से 8 मंजिल तक ऊपर चढ़ चुका था, और जब वहां से पलटकर पीछे देख रहा हूं तो घनघोर अंधेरा। अब साहस जो है वो कांपने लग गया हाथ पांव और टांगे। अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ भी जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी स्थिति में ऐसा जरूर आपको अनुभव हुआ होगा, ऐसी घटना आपके साथ हुई होगी। जरूरी नहीं है कि वो हिमालय के किसी पर्वत पर ही हुई हो, यह स्थिति कभी भी आपके जीवन में आ सकती है। और जब मैं उस स्थिति में पहुंच गया तो अब दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें चढ़ गई, हाथ पांव फूल गए कि अब ऊपर चढ़ूं या नीचे उतरूं। नीचे उतरने में बड़ा बड़ा भय हो रहा था, अब ना आगे जाने के लायक है ना पीछे जाने के लायक। तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जटिल हो जाता है, आपका मन मस्तिष्क ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो सोच नहीं पाता, आपके लिए निर्णय नहीं ले पाता कि आपको करना क्या है। और दूसरी तरफ मेरा मन ये कह रहा था कि मुन्ना अगर तुम ऊपर चढ़ गए ना गलती से भी, किसी भी तरह हाथ पांव जोड़कर ऊपर चढ़ गए, पर वापस तो तुम आ नहीं सकते हो, ये तुम बात अभी से अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना अंतःकरण में। फिर दूसरी तरफ हम लोगों को घोट घोट करके गुरुजनों ने ये घुट्टी पिला रखी होती कि योगी और भैरव, भैरवों को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। अब वहां पर इस भैरव की हालत बहुत खराब थे कि क्या किया जाए। अंत में ये सोचा कि एक बार ऊपर चढ़ के देखा ही जाए, फिर सोचेंगे कि नीचे कैसे आना है। तो काफी प्रयास किया और उस भय के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश की। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं उसी जगह पर खड़ा रहा कम से कम 10 से 15 मिनट, गहरी गहरी सांस लेता रहा, मंत्र का जाप करता रहा, अपने आप को शांत बनाने की कोशिश करता रहा, और फिर उस चुनौती से फिर से भिड़ने के लिए तैयार हो गया और फिर उस चुनौती से भिड़ने लग गया। अगर चूक हो जाती तो बचने की कोई संभावना नहीं होती है। इस तरह की मैंने कई बार इस तरह की बचपन से लेकर जोखिम उठाए हैं, इस तरह की भी जो खतरे हैं इनसे खेलना, क्योंकि हिमालय में पैदा हुए, पहाड़ों पर रहे, आपको तो मालूम है कि पहाड़ी लोग अक्सर इस तरह के काम करते ही हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही था। तो मेरे पिता कभी कभी परिहास में कहते थे कि तुम
तुम पर ना बाल्यावस्था में बानरों की छाया पड़ गई है, इस वजह से तुम ऐसी स्थानों पर जाते हैं। तो उस समय बड़ी दुखद स्थिति हो जाती है, क्योंकि आपके जीवन में जो सारी सुख सुविधाएं होती हैं वो आपकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। लेकिन तमाम जो भी आपके जीवन में समस्त ये झंझट होते हैं, आलोचनाएं होती हैं, जो भी हैं, आपको इसे एक ओर रख करके अपना साहस दिखाना होता है और आपको जूझना पड़ता है अपने भय से। और जब उस भय से, उस चुनौती से मैंने सामना किया, तो कुछ देर और लगी, लगभग 20-25 मिनट के बाद मैं उस स्थान पर पहुंच गया जो कि नीचे से दिख रहा था, और ऊपर जाकर बड़ी खुशी भी हुई क्योंकि वो स्थान इतना सुंदर था जितना नीचे से दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर तो अगर बर्फ़ भी पड़ जाए या बारिश भी हो जाए तो आप बिल्कुल सूखे रहेंगे। वो पहाड़ के बीच में मानो एक छोटा सा गुफा जैसा, गुफानुमा एक स्थान था, लेकिन काफ़ी चौड़ा, वहाँ कम से कम 20 लोग बैठ सके। लेकिन उस दिन मैंने एक चीज़ अनुभव की, लोग साक्षी भाव प्राप्त करने के लिए, विदेह स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि आपने प्रश्न किया। लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे आज कि विदेह होने के लिए कौन सी मंत्र, कौन सी साधना, कौन सी दीक्षा करनी है, तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं करना इनमें से। आपको केवल एक काम करना है, आपको संघर्ष अपने जीवन में लाना है, चुनौतियों का सामना करना है, अपने जीवन को खतरे में डालने की आदत आप में आपको पैदा करनी होगी। क्योंकि मैंने यह देखा कि अभी तक तो हम अपने शरीर के साथ ठीक से जुड़े भी नहीं हैं। हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, हड्डियां हैं, अभी तक तो हम उनका इस्तेमाल ही, उनका प्रयोग करना ही भली प्रकार नहीं जानते। हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। आज तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने बाल्यावस्था से इस तरह का अभ्यास किया, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, मैं एक स्थान पर रुका हुआ था। वहां पर क्या हुआ कि सामने वाले एक कक्ष में एक बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया था, बिजली का बल्ब। तो एक युवा वो वहां पर कुर्सी रखकर उस बल्ब को बदलने की चेष्टा कर रहे थे और मैं उनको देख रहा था। तो मुझको बहुत प्रकृति का धन्यवाद करने का मेरा बड़ा मन हुआ कि देखिए, कम से कम इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, ऐसे ऐसे स्थानों पर आसानी से जा सकता हूं, चढ़ सकता हूं। लेकिन वो लड़का, उसके हाथ पांव कांप रहे थे सिर्फ एक कुर्सी पर। अब कुर्सी की ऊंचाई कितनी है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और एक बिजली का बल्ब, वो एक बिजली का बल्ब तक अगर आप नहीं बदल सकते अपने जीवन में, और आप अगर इस तरह की धारणा या कल्पना कर रहे हो कि आपको विदेह होना है, विदेह स्थिति को अनुभव करना है, तो ये आपकी बस की नहीं है, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं। और मेरे जैसा कड़वा कोई कहेगा भी नहीं, वो आपको कहेंगे हाँ ये मंत्र ले लो, ये साधना ले लो, ये दीक्षा लो और लगे रहो। हाँ, मैं आपको ये सब नहीं कहने वाला। जो सबसे प्रारंभिक और सबसे आवश्यक है वो है कि क्या आप बड़े से बड़े संकट से जूझने की क्षमता रखते हैं? क्या आप अपने जीवन में संघर्षों को और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं? क्योंकि जब आप ऐसी विकट स्थिति से गुजरते हैं जहां आपका शरीर आपका साथ छोड़ दे, जहां शरीर यह कहे कि बस मैं मरने को तैयार हूं लेकिन अब तेरा साथ नहीं दूंगा, अगर ऐसी स्थिति में भी आप अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं तो उस देह को आप जीत जाते हैं, और जब देह की सीमा को आप जीत जाते हैं तो विदेह होने का अनुभव होने लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप साधना करेंगे, दीक्षा लेंगे, गुरु के आश्रम में बैठेंगे, अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो विदेह स्थिति आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां जो मैं आपको कह रहा हूं वो प्राथमिक आवश्यकता है जो दो कारणों से आपके अंदर होनी चाहिए। पहले तो इसलिए कि आप एक वीर पुरुष हो, आप एक वीरांगना स्त्री हो, आपके अंदर वीर भाव है, आप अपने मनुष्य जीवन में ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है इसको जी सकते हो, इसके योग्य हो, इसको अनुभव कर सकते हो, और इस शरीर को आप व्यर्थ में नष्ट नहीं कर रहे हो, प्रथम। और दूसरा इसलिए कि इस देह भान से मुक्ति उसी को मिलेगी जो इस देह को भली प्रकार समझ ले। हम ना तो इस देह को भली प्रकार समझते हैं और ना ही देह भान होता क्या है इसको भी अनुभव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम सारे दिन भर सोए रहे अपने बिस्तर पर ही, हमें क्या आभास होगा? यदि आप दिन भर आलस्य और प्रमादी से बने हुए रहते हैं, आलस्य और प्रमाद से भरे रहते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।
यदि आप विदेह होना चाहते हैं, यदि आप महाराज जनक जैसी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीवन में कुछ ऐसा घटित होना चाहिए जो आपको उस देह से जोड़कर उस देवहन से मुक्ति प्रदान करे। आप तो अपनी रजाई कंबल छोड़ने को तैयार नहीं, भूत छोड़ दीजिए। बहुत सारे तो अधिकांश ऐसे वो कहते हैं कि मैं वॉशरूम केवल वहीं जा सकता हूँ जो मेरा हो, मैं उसी बिस्तर पर ही सो सकता हूँ जो केवल मेरा हो, दूसरे बिस्तर पर चला जाऊं तो नींद नहीं आती। आप मनुष्य हैं या रॉबोट? आप जीवित जागृत शरीर लेकर आए हो या फिर आपने अपने शरीर के साथ कोई अधर्म कर दिया है? आपका मन, आपका अंतःकरण, आपकी बुद्धि किसी भी चीज को स्वीकारती नहीं। आप मानो हर चीज में ढले हुए हो कि ये काम आप ऐसे ही करोगे, ये आप ऐसे ही सोचोगे, ये सब ऐसा ही होगा। पूरी दुनिया को देख लीजिए अपने आसपास, सब चीजें, राजनीति, धर्म, विज्ञान, सारी चीजें एक ढर्रे पर ही चलती है। बस बीच में कोई ऐसा जागृत वैज्ञानिक, जागृत धर्मगुरु, जागृत राजनीतिज्ञ या जागृत विचारक चिंतक निकल आता है जो उस लीक से हटकर कुछ सोचता है। तो विदेह होने के लिए पहले देह को जानो, और देह को वो जानता है जो देह के साथ कठोरता से पेश आता है। इसलिए हठ योगी, हठ योगी के दोहरे अर्थ हैं। वो शरीर के साथ हठ पूर्वक भी प्रस्तुत होते हैं, पेश आते हैं, और हठ की परिभाषा तो सबको मालूम ही है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी को आप जानते हैं, मूलाधार सहस्त्रहार को आप जानते हैं, कुल कुंडलिनी को आप जानते हैं। तो इसलिए मैं जरूर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी विवशता है, क्योंकि यदि आपको मैं कठोर नहीं बनाऊंगा तो आप मेरे राष्ट्र के लिए, इस पृथ्वी के लिए एक पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री के तौर पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। आपके भीतर वो भाव होना चाहिए। और आपने कभी देखा है कि बड़े से बड़े जो योद्धा भी होते हैं वो भी विदेह भाव को प्राप्त कर लेते हैं, बहुत कम लोग ये जानते हैं। योद्धाओं को वीरों का इतना सम्मान वेदों, पुराणों, शास्त्रों, ग्रंथों में क्यों होता है? वीरता क्यों चाहिए हमें? क्योंकि वीर व्यक्ति अपनी जान को खतरे में डालता, अपने प्राणों को संकट में डाल देता है। और जिस व्यक्ति में इतना साहस हो कि वह अपने प्राणों को संकट में डाल सके, या तो वो मूर्ख है, परम मूर्ख, कि इतने अमूल्य प्राणों को वो इतने खतरे में डाल रहा है, या फिर वो विदेह तत्व को प्राप्त कर चुका है जिसे देह से परे कुछ विशुद्ध तत्व का आभास है, वो किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए अपने जीवन को स्थापित करता है। यहां पर आपको सचेत रहना होता है, जब भी आप विदेह भाव को जाने के लिए अपने आप को आत्म प्रेरित करते हो तो दो मार्ग हैं। एक तमस मार्ग, आतंकवादी भी तो अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं किसी उद्देश्य के लिए, लेकिन वो तमस मार्ग है, नीचता का मार्ग, निकृष्ट मार्ग। और एक है वीरता का मार्ग, जो दूसरे के लिए, परहित के लिए अपने आप को तैयार करता है। और यहां मैं ना तो आपको परहित के लिए कह रहा हूं, ना किसी और कार्य के लिए कह रहा हूं, और ना ही ये कह रहा हूं कि अपने प्राणों को इतना संकट में डाल दो कि आप कल सुबह ही राम नाम सत्य हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसी स्थितियों से डरिए नहीं, ऐसी स्थितियों के का सामना कीजिए जिससे आप कतराते हो पेड़ों पर चढ़ना। भले ही आप सेफ्टी बेल्ट लगाकर चढ़ना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप मेरी तरह तो नहीं कर सकेंगे, और जो कर सकता है उसे करना चाहिए। इस देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझसे हजार लाख गुना बेहतर करने वाले, अच्छा करने वाले युवा इस राष्ट्र में आए, इस पृथ्वी पर आए। आपको वो करना चाहिए, और यहीं से शुरुआत होगी। बिना मंत्र, बिना तंत्र, बिना भक्ति, बिना किसी अनुष्ठान के पहला बीज पड़ जाएगा विदेह तत्व के निकट आने का। बस इतना भर हो जाए, फिर किसी जीवित जीवंत गुरु के चरणों में बैठ जाना, बाकी की यात्रा में वो आपको आगे लेकर जाएंगे। क्षमा कीजिएगा यदि मेरी वाणी में कोई त्रुटि रही हो। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय, प्रणाम, नमो आदेश। भक्ताभयप्रदायकम् श्वेतस्वस्तितं दिव्यं ज्ञानखड्गतारकम्